बहुत सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में सुझाव आया है कि सर कुछ स्पोकन इंग्लिश भी बताइए, तो मैं आप सभी लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। कोई भी चीज़ एक दिन या दो दिन की चीज़ नहीं होती, उसके लिए कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आज आप सभी लोगों के सुझाव के मुताबिक मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लेकर के आया हूँ, जो कि ये वर्ड्स उन सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे किसी भी तरह की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा और मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे, आपके मन में अगर और भी ख्वाहिश पैदा हो कि इस तरह के वर्ड्स और भी बताए जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, तो मैं इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक वर्ड की शुरुआत करते हैं। एक वर्ड आता है हिंदी में छोड़ना, हिंदी में एक शब्द आता है छोड़ना, उसके बहुत सारे अंग्रेजी होते हैं। अब छोड़ना को इंग्लिश में लीव कहते हैं, उसी छोड़ना को इंग्लिश में अबेंडन कहते हैं, उसी छोड़ना को इंग्लिश में फॉरसेक कहते हैं, उसी छोड़ना को त्याग देना को उसी अंग्रेजी में एक्साइल कहते हैं, बैनिश कहते हैं, रिलिंक्विश कहते हैं। लेकिन कहां किसका यूज होगा ये समझना जरूरी है। एक शब्द के अर्थ देने वाले अनेकों शब्द अंग्रेजी में आते हैं, तो आपको उसे समझना पड़ेगा कि जहां पर हम छोड़ना के लिए लीव यूज कर रहे हैं, क्या वहां पर फॉरसेक यूज हो जाएगा, क्या वहां पर अबेंडन यूज हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम पहला वर्ड देखते हैं लीव। तो लीव मींस होता है छोड़ना, लीव मींस हो गया छोड़ना। अब आप इस पर सेंटेंस बना सकते हैं कि वी शुड नॉट लीव आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये लीव जो जनरली है सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर इसका एक दूसरा वर्ड आता है अबेंडन। अब अबेंडन मींस भी होता है छोड़ना, लेकिन मजबूर होकर छोड़ देना, इसका अर्थ होगा मजबूर होकर छोड़ना, किसी चीज को त्याग देना। जैसे आप इस पर सेंटेंस बना सकते हैं कि ही अबेंडन हिज होप ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, ही अबेंडन हिज होप ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया, वह डॉक्टर बनने की आशा छोड़ दिया। अब यहां पर छोड़ देना का मतलब यह हुआ कि वो किसी ना किसी मजबूरी में छोड़ा है। हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं हो, हो सकता है कि पास उसको डॉक्टर की तैयारी करने के साधन नहीं हो, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स का कोई दबाव हो, प्रेशर हो, उसके पेरेंट्स की कोई और मर्जी हो, तो कोई ना कोई ऐसा वहां पे बात है जिसके चलते वो मजबूर होकर के डॉक्टर बनने की सपना, डॉक्टर बनने की इच्छा को छोड़ दिया। तो जब आप मजबूर होकर के किसी चीज को छोड़ते हैं तो उसके लिए आता है अबेंडन। फिर फॉरसेक, फॉरसेक। अब फॉरसेक का मतलब क्या होता है, अब इसको देखिए। फॉरसेक मींस होता है वैसे लोगों को छोड़ना, वैसी वस्तु को छोड़ना जो हमें पसंद ना हो। अब यह नहीं किसी चीज को छोड़ देना, वैसे वस्तु को छोड़ देना, वैसे लोगों को छोड़ देना जो हमें पसंद नहीं हो, तो वहां पर छोड़ना के लिए फॉरसेक का यूज करेंगे। अब यहां पर इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं कि वी शुड नॉट फॉरसेक आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमारे दोस्त अगर बुरे भी हैं तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए, यह यहां पर सेंस है। तो फॉरसेक मीनिंग देता है कि वैसे चीजों को छोड़ देना जो आपको पसंद नहीं हो, जो हमें पसंद नहीं हो, तब आप वहां पे फॉरसेक यूज करेंगे। फिर अगला वर्ड रिलिंक्विश, इसका भी अर्थ होता है छोड़ देना, लेकिन यहां पर क्या छोड़ देना, तो अपना अधिकार छोड़ देना, अपना हक छोड़ देना।
जब कोई व्यक्ति अपना हक छोड़ देता है, जब कोई व्यक्ति अपना अधिकार छोड़ देता है, तो उसके लिए यूज होता है रिलिंक्विश। अब इस पर आप सेंटेंस बना सकते हैं कि शी वॉज फोर्स्ड टू रिलिंक्विश कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। शी वॉज फोर्स्ड टू रिलिंक्विश कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके ऊपर प्रोजेक्ट को छोड़ने का दबाव दिया गया, प्रेशर दिया गया। उसका हक था, उस प्रोजेक्ट पर उसका अधिकार है, उसका हक है, फिर भी उसको यह दबाव दिया गया कि तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो। तो जब कोई व्यक्ति अपने हक छोड़ने की बात करता है, अधिकार छोड़ने की बात करता है, तो वहां पर हम रिलिंक्विश का यूज करते हैं। फिर अगला वर्ड है डिसर्ट, DESERT, डिसर्ट। तो डिसर्ट मीन्स होता है बुरे समय में किसी का साथ छोड़ देना। देखिए यह भी है छोड़ना, छोड़ देना, लेकिन कब? अगर किसी का बुरा समय आ गया है, उस वक्त अगर आप किसी का साथ छोड़ देते हैं, तब वहां पर डिसर्ट होगा। आप अगर अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, तो वहां पर डिसर्ट होगा। जो भी आपका कर्तव्य है, उसको अगर आप छोड़ते हैं, तो वहां पर आप डिसर्ट का यूज करेंगे। अब इस पर आप सेंटेंस बना सकते हैं कि हिज सन डिसर्टेड हिम इन ओल्ड एज। हिज सन डिसर्टेड हिम इन ओल्ड एज। उसके बेटे ने उसको बुढ़ापे में छोड़ दिया। अब इंसान बुढ़ापे में क्या होता है, तो मजबूर होता है, बुरे समय में छोड़ दिया। उसने अपने माता पिता को बुरे समय में छोड़ दिया। ये कर्तव्य भी यहां पर बनता है। तो कर्तव्य क्या बनता है? उसका कर्तव्य था कि वो अपने माता पिता की मतलब वहां पे सेवा करे बुढ़ापे में, लेकिन उसने छोड़ दिया। तो जब आप अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, या फिर आप बुरे समय में किसी का साथ छोड़ देते हैं, तो वहां पे आप यूज करेंगे डिसर्ट। फिर अगला वर्ड आता है बैनिश, BANISH, बैनिश। तो बैनिश मीन्स भी होता है छोड़ देना, लेकिन किसी जगह को छोड़ देना, या कोई भी चीज छोड़ने के लिए मजबूर कर देना। जब आपको कोई व्यक्ति कोई चीज छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, या फिर आप जगह कोई छोड़ते हैं, तो उसके लिए यूज होता है बैनिश। तो अब आप इस पर सेंटेंस बना सकते हैं कि माई फादर बैनिश्ड मी फ्रॉम द हाउस। माई फादर बैनिश्ड मी फ्रॉम द हाउस। इसका मतलब कि मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, इसलिए मैं वहां से निकल गया, हट गया। मेरे पिताजी ने मुझे वहां से निकाल दिया, हटा दिया। तो उस सेंस में आप बैनिश का यूज करेंगे। फिर आपका अगला वर्ड आता है एक्साइल। इसको जरा गौर से देखिएगा, एक्साइल, EXILE, एक्साइल। अब एक्साइल का अर्थ होता है घर से निकाल देना। यह भी होता है किसी व्यक्ति को घर छोड़ने पर मजबूर कर देना। इसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा। इसका एग्जाम्पल है कि रामचंद्र जी वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम अयोध्या बाई कैकई। रामचंद्र जी वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम अयोध्या बाई कैकई, यानी कैकई के द्वारा रामचंद्र जी को अयोध्या छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, उनको विवश कर दिया गया। समझिए कि एक तौर से उनको घर से निकाल दिया गया। तो वहां पर आप छोड़ने के सेंस में एक्साइल का यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये वर्ड्स समझ में आ गए होंगे, और अगर ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं इस तरह के वर्ड्स और भी बताऊंगा। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।